स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे साइंस के क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे हमने 1000 प्लस सीरीज चलाई हुई है साइंस के वो हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल की ख़त्म करनी है फिर हम मैथमेटिक्स पर आएंगे रीजनिंग पर आएंगे हमारा जो मोटिव uh, है नवम्बर टू दिसंबर तक सारी फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर देना देखिए दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फ्री क्विजेस का उसे ज्वाइन ज्वाइन कर कर सकते हैं. कर सकते हैं हैं टेलीग्राम को पे कोई भी अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग वो आपको मिलेगा फ्री क्विजेस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे टीम से आप बात कर सकते हैं आपको यह बताना है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहला प्रश्न देखते हैं देखिए पहला प्रश्न है द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज़ देखिए श्वेत क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है इनमें से जो कहा जाता है देखिए पतंजलि जगदीश चंद्र बोस वर्गीज कुरेन या, या राजा रमन्ना देखिए इसका जो आंसर होगा वो है वर्गीज कुर कुरेन देखिए इसके बारे में पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण है पहले हम बात करते हैं कुछ क्रांतियाँ जो भारत में हुई थी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो थी भारत में हरित क्रांति के जन्म जनक किन्हें कहा जाता है हरित क्रांति के जो जनक है भारत में वो एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है हरित क्रांति किसके रिगार्डिंग थी वो थी खाद अनाज के रिगार्डिंग मतलब कि खाद्य अनाज जो भी होता है मतलब कि फूड ग्रेन्स के रिगार्डिंग थी कौन सी हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति के पिता किने कहा जाता है वो थे नॉर्मन नोरम ये भारत की बात हो रही है यहां पे वर्ल्ड की बात हो रही है वो है नॉर्मन वोरलोग उसी तरह से भारत में नीली क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है नीली क्रांति आपको पता होगा मछली उत्पादन से थी फिश प्रोडक्शन से थी वो, वो कहा जाता है अरुण कृष्णन जी को अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है दक, भारत में श्वेत क्रांति के जन, जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है अब श्वेत क्रांति की बात करें वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि किससे है श्वेत क्रांति इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं दूध उत्पादन से थी ठीक है मिल एंड डेयरी प्रोडक्शन थे से थी और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं अगला है कि भारत में प्रेरित प्रजनन इं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के जो क्रांतिकारी थे वो थे दोस्तों हीरा लाल चौधरी जी को जाना जाता है किसे हीरा लाल चौधरी जी को जाना जाता है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला देखते हैं कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है देखिए गुलाबी क्रांति की बात करें वो थे ये थी दोस्तों किससे थी जो पिंक रेवोल्यूशन थी वो थी ओनियन से रिलेटेड थी और आ, फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड थी ये आपको याद रखना है और झींगा उत्पादन से रिलेटेड भी पिंक रेवोल्यूशन को जाना जाता है ठीक है प्रॉन प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं गुलाबी क्रांति को जाना जाता है और ये थे दुर्गेश पटेल जी जी थे भारत में स्वर्णिम क्रांति थी क्या स्वर्ण क्रांति जिसे कहते हैं वो थी फल फल या बागवानी या शहद उत्पादन के लिए जानी जाती है जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हनी प्रोडक्शन या फ्रूट वेजिटेबल के रिगार्डिंग ये जानी जाती थी कौन सी लाल किसकी बात हो रही है स्वर्ण क्रांति के ये जाने जाते थे निरपक तेज जी को जाना जाता है भारत में लाल क्रांति की बात हो रही है तो लाल क्रांति की बात करें वो थी मांस और टमाटर उत्पादन से मतलब कि मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन से ये जाता जाता था भारत में लाल क्रांति को विशाल तिवारी जी जाने जाते थे अगला है भारत में सिल्वर क्रांति की बात करें सिल्वर क्रांति भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही थी इसकी बात करें तो वो थी इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है और सिल्वर जो फाइ क्रांति थी ये सिल्वर सिल्वर फाइबर क्रांति थी वो जानी जाती थी कॉटन के थ्रू कपास के लिए जानी जाती थी इंदिरा गांधी जी को माना जाता है जनक भारत में इनका अगला प्रश्न है दोस्तों कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी टीम से बात कर सकते हैं आपको बस ये बताना है कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर डेली क्विज लगा सकते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड हो या एचपी पुलिस हो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ ब्लड प्रोड्यूस देखिए ब्लड प्रोड्यूस करता है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है अस्थि मज्जा फेफड़े दिमाग या दिल देखिए इसका आंसर होगा ए अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन के मॉडर्न मेडिसिन जो आजकल हम यूज़ करते हैं एलोपैथी मेडिसिन उसके हिसाब से जो ब्लड है इज मेड फॉर अप फ्रॉम द बोन मैरो बट आयुर्वेदिक के हिसाब से बात करें तो आयुर्वेदिक कहती है ये बनता है हमारे uh, यकृत या पलीहा मतलब कि स्प्लीन या लीवर के थ्रू बनता है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है वो है एन ए सी एल ये आपको याद रखना है केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड इज एन ए सी एल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न है कि हेमोग्लोबिन कंटेन द मेटल देखिए हेमोग्लोबिन की बात करें हिमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है तांबा या मेलिडेनम लोहा या मैग्नीजियम देखिए इसकी बात करें वो होती है लोहा आयरन देखिए आयरन होता है एफ पी होता है ये आपको याद रखना है टेबल के आठ में होगा ये आपको चेक करना है और क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन की बात करें खून बनाता है ये ठीक है बॉडी के अंदर देखिए मेन काम क्या होता है इसका Uh, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है उसका काम होता है हीमोग्लोबिन का खून होगा खून के बॉडी में होगा तभी ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी के अंदर ये आपको याद रखना है अगला है वाटर इज ए गुड कूलेंट एंड इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ कार्स बसेस ट्रक्स इट इज सी इट इज बिकॉज वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट लो सर्फिस टेंशन हाई बॉयलिंग पॉइंट या टफ देखिए पानी एक अच्छा शीतलक है इसका उपयोग कार बसों ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में उच्च विशिष्ट उष्मा होती है निम्न स्तर तनाव होता है उच्च कथनाक होता है या टेफलोन होता है इसका आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा मतलब कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसके द्वारा ही ये होता है अगला है ए ड्रग नेम्ड देखिए ड्रग की बात हो रही है देखिए द ड्रग ने मा जेब हैज बीन अप्रूव्ड एज द फर्स्ट ड्रग फॉर ट्रीटिंग विच डिसीज ये जो डिसीज है वो यूज़ हुई थी इबोला वायरस के लिए यूज़ की गई थी इबोला वायरस के लिए ये यूज़ की गई थी आपको याद रखना है अगला प्रश्न है ऑक्सीजन वाज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय देखिए ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन की स्वतंत्रता रूप से खोज किसी ने की थी रदरफोर्ट विलियम से जोसफ प्रिस्टली नील बोहरे देखिए इसका आंसर होगा वो है जोसेफ प्रिस्टली इसकी बात करें जोसेफ प्रिस्टली की बात करें इन्होंने ये खोज की थी नाइनटीन सेवनटीन सैवन्ट, सेवनटी टू में देखिए दो तरह से हुई थी देखिए ऑक्सीजन की जो पहली खोज थी वो सतारह सौ बहत्तर में हुई थी जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे कार्ल विलहेम शेहले को बट सतारह सौ चौहत्तर में ब्रिटिश पादरी और सैनिक जेसि प्रिस्टेल ने ऑक्सीजन की खोज की थी क्योंकि जो इनके थीसिस थे जो मैंने आंसर बताया ऊपर ठीक है इनके थीसिस थे पहले अप्रूव्ड हुए थे और इनको जो इनकी स्टैम्प थी ठीक है थीसिस अप्रूव्ड हुए थे इनके बाद में अप्रूव्ड हुए थे तो इसलिए इनको पहले जाना जाता है जनक वैसे तो दो माने जाते हैं बट जिनके थीसिस पहले अप्रूव्ड हुए थे वो थे जोसे प्रिस्टेले जी याद रखना है मैंने इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि इनके जो काम था पहले पब्लिश हुआ था जो भी थीसिस थे पहले पब्लिश हुए थे तभी ये जाने जाते हैं द वोस्टी ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट मेजर्ड बाय आइंस्टीन न्यूटन रोमर गैलेलियो प्रकाश का बेग सबसे पहले द्वारा मापा जाता है आइंस्टीन न्यूटन रोमर या गले देखिए इसका आंसर होगा सी रोमर के द्वारा याद रखना है रोमर के द्वारा सतारह में जो डेनिश एस्ट्रोनोमर थे ओले रोमर ठीक है सोलह सौ से लेकर सतारह तक भी रहे थे मतलब कि जन्म और मृत्यु की बात हो रही है जिन्होंने मेजर की थी स्पीड ऑफ लाइट ये आपको याद रखने थे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था अगला है लॉगरिथम टेबल वार इन्वेंटेड बाय देखिए लॉगरिथम टेबल जो लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था जॉन नेपियर जॉन डो जॉन हैरिसन या जॉन डगलस देखिए इसका आंसर है जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है देखिए इन्होंने जो स्कॉटिश मैथम मैथमेटिक मैथीमैटिशियन थे जॉन नेपियर जी ठीक है उनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था या डिस्कवर किया गया था सोलह में देखिए मल्टीप्लिकेशन के काम के लिए किया जाता था इसका यूज़ ये आपको याद रखना है ये हमने लिखा हुआ है देखिए आज के लिए इतना ही थैंक यू और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में क्विज़ ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा थैंक यू एंड हैव एन आइज टेक गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय